हाँ गणिसा, मेरा नाम है आरती चौहान और कुक विद एपीके में आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी में लेके आई हूँ कलिजड़े की सब्जी। हम राजस्थानी इसे बोलते हैं कलिजड़ा, लेकिन मैंने देखा है कि इसे बोलते हैं चोलाई की साग। ये बेसिकली बारिश के सीज़न में ज़्यादा उगती है। इसका कोई पौधा वगैरह बीज नहीं होता है, ये अपने आप खरपतवार की तरह खेत में उग जाती है। कलिजड़े की सब्जी दो तरह की होती है, किसी के पत्ते लाल होते हैं और किसी के हरे होते हैं, तो आप कन्फ्यूज ना हो बिल्कुल भी। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि हम इसके साथ बनाएंगे मक्के की रोटी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हमें इसे अच्छे से साफ करना है और इसके जो बीज होते हैं वो हमें नहीं तोड़ने हैं, बस पत्ते पत्ते अलग निकालने हैं। इन्हें हम अच्छे से दो तीन बार साफ पानी में अच्छे से धो लेंगे क्योंकि इसके साथ बहुत मिट्टी लगी होती है, तो आप इसे दो तीन बार अच्छे से धोएं। सब्जी को हमने अच्छे से धो लिया है, अब इसे अच्छे से काट लेंगे। सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए लहसुन, कटा हुआ प्याज, बारीक कटे हुए आलू। आप चाहे तो इसे पूरी प्याज में बना सकते हो, या आप चाहो तो पूरी आलू में बना सकते हो, या आप दोनों मिक्स बना सकते हो। चूल्हे पर चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें डाला है मैंने 1.5 चम्मच तेल। तेल आप थोड़ा ज़्यादा डालें क्योंकि आलू को पकने में ज़्यादा तेल चाहिए। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम डालेंगे इसमें लहसुन। लहसुन आप चाहे तो कूट कर डाल सकते हैं या इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। और मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई। फिर डालेंगे हम कटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को आप अच्छे से फ्राई करें, फिर हम डाल देंगे इसमें कटे हुए प्याज। प्याज को थोड़ा सा नरम पड़ जाए तब तक अच्छे से पकाना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को हम थोड़ी देर तेल में फ्राई करना है और हम इसे ढककर पकाएंगे जिससे ये अच्छे से पक जाए, थोड़े नरम पड़ जाए। दो तीन मिनट आप ढककर पकाएं, आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे। और अब हम डाल देंगे कटी हुई चोलाई की सब्जी, या बोले तो कलिजड़े की सब्जी। जिस तरह से हम पालक की सूखी सब्जी बनाते हैं आलू और पालक की, उसी तरह से हमें इसे बनाना है। तो आप थोड़ी सब्जी ज़्यादा लें क्योंकि ये पकने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। तेल और मसाले के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे। ढक कर पकाएंगे थोड़ी देर जिससे ये थोड़ी कम पड़ जाए, पानी इसका सोख जाए पूरा। सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है और बिल्कुल आधी रह गई है सब्जी। अब हम घर के जो रेगुलर मसाले होते हैं वो डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा स्वाद अनुसार डालेंगे हम नमक और पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा पानी डालकर आप इसे ढककर अच्छे से पकाएं जिससे मसाला हमारा कच्चा नहीं रहेगा और अच्छे से सीज जाएगा। मिर्ची मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप थोड़ी देर ढककर अच्छे से पकाएं जिससे सब्जी अच्छी बनेगी। अभी हमने सूखी सब्जी बनाई है, यही सब्जी पानी वाली भी बनते हैं, उसकी रेसिपी और कभी शेयर करेंगे हम। सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है, अब हम बनाएंगे मक्की की रोटी। मक्की की रोटी अगर आपको नहीं बनाना आती है तो उसका भी हमने एक वीडियो डाल रखा है, वो आप जाकर जरूर देखें और आप अच्छी फुली हुई मक्की की रोटी बना सकते हो घर पर। सब्जी और रोटी दोनों तैयार है, सर्व करेंगे हम। तो उसके लिए मैंने एक प्लेट में ले लिया है कलिजड़े की सब्जी और मक्की की रोटी रखेंगे और इसे गच करेंगे घी में। घी आप ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और गर्मा गर्म आप खाएं जिससे ज़्यादा अच्छी लगेगी और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। तो यह है हमारी आज की रेसिपी कलिजड़े की सब्जी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।